नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। बिहार की राजनीति में बात करें तो जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है वो वाकई आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। नई मुश्किलें इसलिए खड़ी हो सकती हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई, दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को हटा करके 2025 में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही। नतीजा क्या रह रहा? नतीजा साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि आने वाले वक्त की राजनीति को भाजपा बिहार में प्रमुखता के साथ साधने का प्रयास कर रही। याद कीजिए दर्शकों, वक्त 2015 के विधानसभा चुनाव का, जिस वक्त आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा, तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री के तौर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर ताजपोशी हुई थी और नीतीश कुमार उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2015 से 2025 के आते आते जिस तरीके का माहौल देखने को मिला, जिस तरीके से फेरबदल देखने को मिले, वो फेरबदल वाकई में दिलचस्प है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से यहाँ पर जो तमाम सियासी संरचनाएं यहाँ पर बनाई है, उन्होंने अपने राजनीतिक ग्राफ को ऊपर उठाया है। इसके साथ साथ बात करें तो नीतीश कुमार को लेकर भी तेजस्वी यादव का अभी तक का जो सियासी सफर रहा है उसमें उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के कोई ज्यादा यहां पर ऐसी बयानबाजी नहीं की है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं उनको नुकसान का सामना करना पड़े। इस बीच तेज प्रताप यादव, जो कि तेजस्वी यादव के भाई हैं और बिहार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने यहाँ पर बीजेपी को जिस तरीके से चेतावनी देते हुए और इसके साथ साथ नीतीश कुमार को समर्थन देने की बात कही है, उससे ये साफ प्रतीत हो रहा है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर बिहार में बड़े सियासी परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम यहाँ पर जो प्रयास कर रही है उन पर तेजस्वी यादव और आरजेडी पानी फेरना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा के सामने ये तक कह दिया था कि मैं फिलहाल कोई ऐसा बड़ा फैसला लेने नहीं जा रहा हूँ जिससे कि आगामी वक्त की रणनीतियां परिवर्तित होती हुई नजर आए। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो गलतियां पिछले वक्त में हुई वो गलतियां हम आगे आने वाले वक्त में नहीं दोहराएं। यानी कि नीतीश कुमार एक तरफ भाजपा को आश्वासन देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वही बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जिस तरीके का माहौल तैयार करने की कोशिशें कर रहे हैं, जिस तरीके से 4 लोकसभा सीटों पर आरजेडी ने जीत दर्ज की, वो जीत दर्ज करने के बाद यहाँ पर आरजेडी की तरफ से निश्चित तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम विधानसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, इंडिया अलायंस के साथ मिलकर के लड़ेंगे, पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में इंडिया अलायंस अपनी सरकार बनाने में कामयाब। उन्होंने कहा कि हमारे सहयोगी दल साथ हैं और मजबूत हैं। अब देखना यह होगा कि बिहार की राजनीति में कितना बड़ा सियासी परिवर्तन करने में यहाँ पर तेजस्वी यादव कामयाब हो पाते हैं। बिहार की राजनीति में दिलचस्प मामला ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के तमाम नेता, चाहे चिराग पासवान की बात हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की बात, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई दे रही है। तो क्या वह वाकई में आने वाले वक्त में एक बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आएगी? क्या वाकई में 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में यहाँ पर टूट देखने को मिलेगी? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही है, उन राजनीतिक सरगर्मियों को देखा जाए तो बिहार की राजनीति में निश्चित तौर के ऊपर यहाँ जो चिराग पासवान हैं और उनके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा, ये दिग्गज नेता कहीं ना कहीं आगामी वक्त में अपना रुख जो है दूसरी तरफ पलटते हुए नजर आ सकते हैं। जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है उस माहौल को देखते हुए बिहार की राजनीति में आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से पूर्ण सहयोग की मांग कर रहे हैं। पूर्ण सहयोग के साथ जिस तरीके से तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आरक्षण का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम बिहार में लोगों के बीच जाएंगे और लोगों के बीच जाकर ही रणनीतियां तय करेंगे। तो आखिरकार क्या वाकई में बिहार की राजनीति में कोई बड़ा यहाँ से तख्ता पलट करने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं तेजस्वी यादव? और आरक्षण का मुद्दा जिस वक्त नीतीश कुमार के साथ आरजेडी की सरकार तेजस्वी यादव चला रहे थे, उस दौरान आरक्षण के मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार और यहां पर तेजस्वी यादव के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव जो था
उस विधानसभा चुनाव के बाद में सरकार बनाई गई 2020 के बाद, और विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया कि आरक्षण के मुद्दे पर 65% आरक्षण जो है आरक्षित जातियों के लिए किया जाए। पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को फटकार भी लगी, लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरीके का माहौल तैयार होता हुआ बिहार की राजनीति में यहाँ से नजर आता है, किस तरीके से तेजस्वी यादव आने वाले वक्त की राजनीति को साधने का प्रयास करते हैं, किस तरीके से उनका यहाँ पर सियासी भविष्य दिखाई देता है, किस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो कि इन कोशिशों में जुटे हुए हैं कि यहाँ पर अपने अपने दलों को मजबूती से बचाया जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव का बार बार यही कहना है कि बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर रही है। यहाँ तक कि ललन सिंह ने भी यही बातें कही थी 31 दिसंबर 2023 से पहले कि बीजेपी यहाँ पर हमारे संगठन को खत्म करने का प्रयास कर रही है, इसीलिए मैंने यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। तो ललन सिंह एक तरफ, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, और इसके साथ साथ नीतीश कुमार जो कि किसी भी राजनीतिक गठबंधन को लेकर अपनी पार्टी और अपना खेमा बदलने से पहले संकोच भर तक नहीं करते हैं, बड़ा यहाँ पर सियासी परिवर्तन करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं। आगामी वक्त की राजनीति को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपना संगठन मजबूत करने की तैयारियां कर ली है। सम्राट चौधरी को हटा करके दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, और दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का साफ सीधा मतलब ये है कि सम्राट चौधरी की बयानबाजी से जो नाखुश राजनेता थे बीजेपी की पार्टी में, वो राजनेता यहाँ पर अब आने वाले वक्त में संगठन के लिए प्रचार कर सके, प्रसार कर सके और सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सके। अब देखना यह होगा कि आखिरकार किस तरीके का माहौल तैयार यहाँ पर राजनीतिक रूप से तेजस्वी यादव करने में तैयार होते हैं। क्या चिराग पासवान तेजस्वी के साथ गठबंधन करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान ने भी पिछले दिनों जो तेजस्वी यादव की तारीफों के पुल बांधे, उसके बाद ये खबरें सामने आई कि उनकी पार्टी के 3 जो यहाँ पर सांसद हैं वो बीजेपी का रुख कर सकते हैं। इसके साथ साथ उनके चाचा जो पशुपति पारस हैं, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात कर ली, और मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या चिराग पासवान के खेमे में फिर से पशुपति पारस कोई बड़ी सेंधमारी करने वाले। अब देखना ये होगा कि आगामी रणनीतियां किस तरीके से तैयार होती है, बिहार का सियासी संग्राम किस तरीके से सजता हुआ नजर आता है, क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव एक दूसरे के लिए फिर से समर्थन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने इस बात के समर्थन यहाँ पर संकेत दे दिए हैं, उन्होंने नीतीश कुमार से समर्थन मांगा है, और समर्थन मांगने का साफ सीधा अभिप्राय यही दिखाई देता है कि नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरीके की बयानबाजी पिछले कुछ वक्त में रही है वो वाकई दिलचस्प। ऐसे में आने वाला वक्त दिलचस्प रहेगा, और क्या 2020 में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने और नीतीश कुमार ने मिलकर के बिहार में बीजेपी का तख्तापलट कर दिया था, क्या 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले फिर वही सियासी पटकथाएं लिखती हुई दिखाई दें। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।